दोस्तों अगर आप भी कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को शानदार टीम मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं आईपीएल 2022 जल्दी शुरू होने वाला है और सभी टीमों ने आईपीएल की तैयारी शुरू कर दी है और हम आपको बता दें कि पहला मैच चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में खेला जाएगा। इसीलिए कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के खिलाड़ियों ने भी अपने घरेलू मैदान पर अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इसी बीच कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के बीच में एक प्रैक्टिस मैच हुआ जिसमें ए और बी दोनों टीमों में बनाई गई और आपको दोस्तों हम बता दें इस वीडियो में कि एक ये प्रैक्टिस मैच में किस खिलाड़ी ने कितने रन बनाए और ये मैच किस टीम ने जीता। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि श्रेयस अय्यर और नीतीश नाडा में कौन है बेहतरीन शानदार बल्लेबाज, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों अगर हम इस मुकाबले में ए टीम की बात करें तो ए टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर थे। इस टीम में पैंट कमिंस सुनील नारायण और रिंकू सिंह जैसे धाकड़ खिलाड़ी शामिल थे, जिसके बाद अगर हम दूसरी टीम की बात करें तो उसके कप्तान नीतीश राणा थे। इनकी टीम में आंद्रे रसेल, वेंकटेश अय्यर और मोहम्मद नबी जैसे खिलाड़ी थे। दोस्तों इस प्रैक्टिस मुकाबले में श्रेयस अय्यर की टीम ने टॉस जीता और टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। श्रेयस अय्यर की टीम में ओपनिंग करने के लिए मैदान पर उतरे खुद श्रेयस अय्यर और रिंकू सिंह, इन दोनों के बीच बहुत ही बेहतरीन साझेदारी हुई। इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम का स्कोर 10 ओवर में ही 100 रनों के पार पहुंचा दिया और अपना निजी अर्धशतक भी पूरा कर लिया। अगर हम श्रेयस अय्यर की बात करें तो श्रेयस अय्यर ने इस प्रैक्टिस मैच में अपने बल्ले से तूफानी पारी खेलते हुए मात्र 28 गेंदों में 50 रन बनाए। श्रेयस अय्यर ने अपनी इस तूफानी पारी में 4 चौके और 3 शानदार छक्के भी लगाए। और इसके बाद अगर हम दूसरे खिलाड़ी रिंकू सिंह की बात करें तो रिंकू सिंह ने भी इस मुकाबले में ताबड़तोड़ प्रदर्शन करते हुए 31 गेंदों पर 52 रनों की पारी खेली। रिंकू सिंह ने इस मैच में 2 चौके और 5 बड़े छक्के लगाए। इसमें रिंकू सिंह ने एक छक्का तो ऐसा लगाया जिसको देखकर वहां पर मौजूद सभी दिग्गज खिलाड़ी भी हैरान रह गए और वो गेंद स्टेडियम के पार चली गई थी। इसके बाद दोस्तों ये दोनों खिलाड़ी आउट हो गए और मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे पैंट कमिंस और सुनील नारायण। ये दोनों बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर हैं और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के लिए अक्सर शानदार बल्लेबाजी करते हैं। इन्होंने आज हुए इस प्रैक्टिस मैच में भी ऐसा ही किया और इन दोनों ने आज तक बल्लेबाजी की और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम का स्कोर 20 ओवर की समाप्ति के बाद 230 रनों तक ले गए। और इसमें अगर हम पैंट कमिंस की बात करें तो पैंट कमिंस ने मात्र 22 गेंदों का सामना करते हुए 70 रनों की तेज तर्रार पारी खेली और अपनी इस पारी के दौरान 5 चौके और 6 बड़े छक्के भी लगाए। और आपको बता दें कि पैंट कमिंस का बल्ला तो इस मुकाबले में आग उगल रहा था। इसके बाद अगर हम सुनील नारायण की बात करें तो सुनील नारायण ने अपने बल्ले से शानदार प्रदर्शन करते हुए 32 गेंदों पर 65 रनों की एक बहुत ही बेहतरीन पारी खेली। उन्होंने अपनी इस पारी के दौरान 4 चौके और 5 छक्के भी लगाए और इन दोनों खिलाड़ियों की पारी के बावजूद भी कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम का स्कोर 230 रन तक पहुंच गया। अगर हम नीतीश राणा की टीम की बात करें तो आपको बता दें कि उनको चाहिए था जीतने के लिए 231 रनों जैसा पहाड़ जैसा लक्ष्य, लेकिन क्योंकि श्रेयस अय्यर की टीम की बल्लेबाजी ने नीतीश राणा की टीम की गेंदबाजों को ध्वस्त करके उनके सामने 230 रन बनाए थे, लेकिन नीतीश राणा की टीम इस बड़े रन के लक्ष्य का पीछा नहीं कर पाई। नीतीश राणा की टीम के एक के बाद एक करके सभी बल्लेबाज आउट होते रहे और श्रेयस अय्यर की टीम ने इस मुकाबले को 70 रनों से जीत लिया। टीम बी की तरफ से ओपनिंग करने के लिए मैदान पर उतरे थे आंद्रे रसेल और नीतीश राणा। उन्होंने शुरुआत में कुछ अच्छे शॉट्स भी लगाए। नीतीश राणा ने मात्र 32 गेंदों का सामना करते हुए 75 रन बनाए जिसमें उन्होंने 3 चौके और 8 बड़े छक्के भी लगाए। इसके बाद अगर आंद्रे रसेल की बात करें तो रसेल ने 25 गेंदों पर 45 रनों की बहुत ही ताबड़तोड़ पारी खेली और उन्होंने अपनी इस पारी के दौरान 2 चौके और 4 छक्के भी लगाए। इन दोनों खिलाड़ियों की पारी की बदौलत कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम का स्कोर 120 रन हो गया था, लेकिन अंत में आते आते कोलकाता नाइट राइडर्स के सभी खिलाड़ी आउट हो गए और उनको हार का सामना करना पड़ा। दोस्तों इस मुकाबले में श्रेयस अय्यर की एक टीम ने बाजी मारी और इसको अपने नाम कर लिया। जी हाँ, आपको बता दें कि इस मुकाबले को देखकर तो ऐसा लगा कि कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के खिलाड़ियों ने जमकर तैयारी कर ली है और वो आईपीएल 2022 में किसी भी प्रकार से पीछे नहीं रहना चाहते हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम श्रेयस अय्यर की अगुवाई में इस साल आईपीएल की ट्रॉफी जीत पाएगी या फिर नहीं, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।